गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज निशा शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास थर्ड मैथ मैजिक. सो टूडे वी विल स्टडी टूगेदर चैप्टर नंबर थर्ड, गिव एंड टेक. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू टॉपिक्स, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट on page number 36. Open page number 36 and let's start the chapter. एक story है. Let me tell you a story. मैं आपको एक story बताती हूँ. Once a baby lion lost his way in the jungle. एक दिन क्या हुआ, once a baby lion अपना रास्ता भूल गया जंगल में. He started crying और वो रोने लगा and called out for his mother और अपनी माँ को बुलाने लगा. एंड ओल्ड डियर took pity on him. एक बूढ़े हिरन को उस पर दया आ गई. ही took him on his place, to his place. वो उसे अपने साथ कहाँ लेकर आ गया, अपने घर. बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड. लेकिन जो और सारे जो जानवर थे और सारे जो डियर्स थे वो बहुत ज़्यादा डर गए. सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स रैबिट, स्क्वेरल एंड बर्ड्स. और उसके और जो फ्रेंड्स थे, रैबिट था, स्क्वेरल था, बर्ड्स थे, वो भी क्या हो गए, डर गए. अ लॉयन अमंग अस, वो सभी हम सबके बीच में था वो लॉयन. ओ नो, ही विल ईट अप आर बेबीज. वो हमारी बेबीज को क्या करेगा, खा जाएगा. द ओल्ड डियर सेड, और बूढ़े हिरन ने क्या कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा. डोंट वरी, चिंता मत करिए. आई विल वॉर्न हिम हिम अबाउट दिस. मैं उसे पहले ही उस चीज़ के लिए क्या कर चुका हूँ, वॉर्न कर चुका हूँ. इन द मॉर्निंग, सुबह उठने में, द बेबी लॉयन थैंक्ड एवरीवन. उसने, बेबी लॉयन ने क्या किया, सबको धन्यवाद किया. एंड स्टार्टेड टू लीव, और जाने लगा, लीव कर मतलब वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ. बट अ रैबिट सेड, एक जब लेकिन फिर उसी वक्त रैबिट ने क्या कहा, वेट, ही कांट गो लाइक दिस. वो इस तरीके से नहीं जा सकता. लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज गॉन, ही हैज डन एनी मिसशेफ. अगर उसने किसी भी तरीके की मिसशेफ किया होगा, किसी भी तरीके का हमारे साथ बुरा किया होगा. लेट्स काउंट टू सी, पहले हमें एक दूसरे को गिनना चाहिए कि हम टोटल हैं या नहीं हैं. वी शुड बी 240 इन ऑल. हमें कितना होना चाहिए टोटल, 250. हम इन लोगों ने आपस में काउंट कर रखा था कि टोटल एनिमल्स कितने थे, 240. लेट्स काउंट, तो हम फिर से काउंट करते हैं. टिलू काउंटेड रैबिट एंड डियर, देयर वर 27 रैबिट एंड 48 डियर्स. यानी कि टिलू ने काउंट किया तो वहाँ कितने रैबिट और कितने हिरण थे, 27 तो रैबिट थे और 48 डियर थे. द ओल्ड डियर काउंटेड बर्ड्स, फिर उस ओल्ड डियर ने काउंट किया तो बर्ड और स्क्वायरल कितने, बर्ड तो थे 124 और स्क्वायरल थे 38. यानी कि लेट्स एड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर रैबिट वर देयर. यानी कि सबसे पहले तो वो कह रहा है कि निकालो कि रैबिट और डियर कितने थे. तो डियर थे 48 और रैबिट थे 27. ऐड करेंगे, इसने 48 को ब्रेक किया है 40 टेंस में एंड 8 इस तरीके से उसने ब्रेक किया है. 10 के 40 बनाए, 10 के 4 पार्ट्स बनाए और 8 को इस तरीके से ब्लू ब्लॉक में, ब्लू ट्राइंगल में उसने ब्रेक किया है, ठीक है. और 27 यानी कि 20 10 के हो गए और 7 उसने ब्लू ट्राइंगल बना दिए, ठीक है. अब उसे ऐड करना इजी हो जाएगा, ठीक है. कैसे ऐड करेंगे हम, पहले हम टेंस को ऐड करते हैं. 40 और 20 कितने हो गए, 60. और 8 और 7, 8 और 7 यानी कि उसने फिर क्या किया है, ये एक ब्लॉक बना दिया उसने 10 का और उसे इस तरीके से लिख दिया. तो कितना हो गया, 10 के ये कितने हो गए, 50 प्लस 20 70 और 71 72 73 74 75 यानी कि आंसर विल बी 75. ओके, अब इसी तरीके से 75 उसने आंसर निकाल दिया, ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलरली वी ऐड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड स्क्वायरल. अब हम उसी तरीके से किस को ऐड करेंगे, बर्ड्स को और स्क्वायरल को. बर्ड्स थी 124. अब 100 को उसने इस तरीके से लिखा है, एक राउंड शेप में, ठीक है. ये ओवल शेप है, ठीक है. स्क्वायर शेप में उसने 10 को लिखा है और ट्राइंगल शेप में उसने 1 ब्रेक किया है, ठीक है. और उसको ऐड करेंगे तो पहले इसका 10 का पार्ट बनाकर उसको
10 में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद रिमेनिंग 1 और 2 यानी कि 162 उसने इस तरीके से ऐड किया है. सो टुगेदर बर्ड्स एंड स्क्वायरल वर 162, यानी कि ये तो थे 162 और डियर और रैबिट कितने थे 75. तो हम ऐड करेंगे, ओल्ड डियर क्या कह रहा है, वी वर 240 नंबर, हमें 240 होना चाहिए. नाउ हाउ मेनी आर वी इन ऑल, अब हम कितने रह गए हैं, यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले हम इसे और इसे ऐड करेंगे, 162 प्लस 75 तो हमारा क्या आएगा 237, यानी कि इनको ऐड. तो हम अब नंबर ऑफ बर्ड और स्क्वायरल 162, नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट 75, तो हम इसे ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 13 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 237, यानी कि टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो. अब ये क्या सोच रही है, कैन यू गेस नाउ, क्या आप सोच सकते हो, इफ द बेबी लायन विल गो बैक होम, अगर वो जो बेबी लायन था वो अगर घर चला जाता, हैज द बेबी लायन ईटन अप एनी एनिमल, क्या वो घर चला गया था और क्या उसने किसी भी एनिमल को खाया था, तो हमारे टोटल थे 240 और हमारे रह कितने गए 237, यानी कि 240 माइनस 237 हमें माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 3, ठीक है, इसने इससे बोरो किया, 10 हो गया, 3 हो गया, एंड 3 माइनस 3 0 0, यानी कि 3 एनिमल्स को वो क्या कर गया था, खा गया था, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मैनी बल्ब्स, अब वो बोल रहा है कि कितने बल्ब्स हैं, वो सारी चीजें हम निकालेंगे. अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, एक फैक्ट्री है जिसमें 270 बल्ब बने फर्स्ट डे, वन डे को कितने बल्ब बनाए उन्होंने 270, ऑन द सेकेंड डे 123. हाउ मैनी बल्ब डिड द फैक्ट्री मेक टूगेदर, यानी कि उसने टोटल कितने बल्ब बनाए, तो क्या करेंगे 270 प्लस 123 ऐड कर देंगे, फर्स्ट डे 270, सेकेंड डे 123. हाउ मैनी ऑल टूगेदर, यानी कि 270 प्लस 123 इज द सम ऑफ मोर देन 350, क्या इसका सम मोर देन 350 होगा और लेस देन 350 होगा. तो आप देखिए, हम पहले हंड्रेड्स को काउंट करेंगे, 2 प्लस 1 यानी कि 300 समथिंग हो गया. देखा जाए तो अब टेंस को काउंट करते हैं तो 7 और 70 प्लस 20 कितना हो गया 90, एंड 0 प्लस 3 3, यानी कि 393. तो ये मोर देन 350 हुआ या लेस देन 350 हुआ, आई थिंक 270 एंड 100 इज 370, द सम इज मोर देन 350, यानी कि उसने जनरली उसने 100 और 10s को ऐड किया और 350 आया, यानी कि उसने गेस किया कि 350 से मोर देन ही होगा. सॉल्यूशन किया हमने 100, 10 और 1s, 100s को 100s में रखा, 2, 7, 0, 1, 2, 3 ऐड करेंगे इस तरीके से, ठीक है. 3 प्लस 0, 3, 7 प्लस 2, 9, 2 प्लस 1, 3. So this is it for this class. In our next video, we will study the next topic. Thank you so much. Have a nice day.